तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शायद ही ऐसा कोई किरदार होगा जो दर्शकों के दिलों पर राज नहीं करता होगा। जेठालाल से दया बहन तक हर किरदार को 14 साल से लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। ऐसा ही एक किरदार है अब्दुल का, जिसे एक्टर शरद सांकला निभा रहे हैं। शरद की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। शरद की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उन्हें काम के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। शरद 25 साल से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। शरद ने 1990 में फिल्म वंश से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 10 सेकंड का एक छोटा सा किरदार निभाया था। उस समय शरद को इस काम के बदले में 50 रुपए मिले थे। इसके बाद उन्होंने बहुत छोटे छोटे रोल्स किए, फिल्म खिलाड़ी, बाजीगर और बादशाह में काम किया। ये रोल्स इतने छोटे थे कि किसी को याद तक नहीं रहा। इसके बाद 8 साल तक शरद काम की तलाश में मुंबई की सड़कों पर भटकते रहे, मगर उन्हें एक भी काम नहीं मिला। इसके बाद साल 2008 में आखिर वो समय आ ही गया जब शरद सांकला को तारक मेहता में काम मिला। तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये शो इतना लंबा चलेगा। इस शो ने इनकी जिंदगी बदल दी। आज तारक मेहता में शरद को काम करने के बदले में हर एपिसोड के 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। अब्दुल ने एक इंटरव्यू में बताया कि टीवी इंडस्ट्री में काम मिलना कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए शरद ने सबसे पहले अपने कमाए पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया ताकि रेगुलर इनकम आता रहे। आज के डेट में शरद करोड़पति हैं। आज मुंबई में खुद का घर है, गाड़ी है और 2 रेस्टोरेंट के मालिक हैं।